डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ प्रवीन कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेलकम्स यू इन माई टुडेज लैक्चर ऑफ़ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइजिंग मैथड्स और प्राइजिंग स्ट्रेटजीज जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइजिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइजिंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुंसिंग प्राइजिंग डिसीजनस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइजिंग मैथड्स और प्राइजिंग स्ट्रेटजीज के रिलेशन में यानी कि जब कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो उसमें वो डिफ़रेंट टाइप के प्राइजिंग मैथड्स को फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर प्राइजिंग को, को डिसाइड कर सकती है क्योंकि प्राइस किसी भी पर्टिकुलर फर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केवल एक प्राइस ऐसा पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसके लिए रेवेन्यू को जनरेट करता है तो कोई भी फर्म जब अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो बहुत केयरफुल वे में इसको फॉलो करती है जैसा कि हमने फैक्टर्स में भी डिस्कस किया था कि जो इन्फ्लुसिंग फैक्टर्स हैं उनको फोकस किया जाता है और उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है जब हम प्राइजिंग मैथड्स की बात करते हैं देन दीज डिफरेंट मैथड्स ऑफ प्राइजिंग कैन बी ग्रुप्ड इन टू अ फ्यू ब्रॉड कैटेगरीज जैसा कि मैंने एक चार्ट इसके रेफरेंस में बनाया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अंडर ईच ऑफ़ द कैटेगरीज वी कैन थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट प्राइजिंग मैथड्स क्या क्या है ये मैथड्स हम एक एक करके इनको देख लेते हैं मैंने यहाँ पर इनको डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर डिवाइड किया है द फर्स्ट वन इज़ द कॉस्ट बेस्ड मैथड्स सेकेंड वन इज़ द कॉम्पटिशन बेस्ड मैथड्स थर्ड वन इज द डिमांड बेस्ड मैथड्स फोर्थ वन इज़ द स्ट्रेटी बेस्ड मैथड्स फिफ्थ वन इज़ द प्राइज लेवल पॉलिसी इसके साथ नीचे इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है द नेक्स्ट वन इज द फ्लैक्सीबिलिटी बेस्ड मैथड्स और लास्ट है इसके अंदर जोग्रफिकल कंडीशन बेस्ड मैथड्स कॉस्ट बेस्ड मैथड्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट बेस्ड मैथड्स को यहाँ मैंने फोर टाइप्स में डिवाइड किया है इसके हम फोर मैथड्स डिस्कस करेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉस्ट बेस्ड मैथड्स द फर्स्ट मैथड इज द फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस प्राइजिंग सेकेंड वन इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइजिंग थर्ड वन इज द मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग एंड द फोर्थ वन इज द टारगेट प्राइजिंग ऐसे ही जब हम कंपटीशन बेस्ड मेथड्स की बात करेंगे तो इसमें मैं दो आपसे मेथड्स डिस्कस करूंगा प्राइजिंग के अंडर दिस कैटेगरी गोइंग रेट प्राइजिंग एंड सील्ड विट प्राइजिंग डिमांड बेस्ड मैथड्स की कैटेगरी में हम तीन मैथड्स डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन इज द डवेल्व प्राइजिंग सेकेंड प्राइज लाइनिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थर्ड वन इज द साइकिलकल प्राइजिंग स्ट्रेटजी बेस्ड मैथड्स में हम दो मैथड्स डिस्कस करेंगे प्राइजिंग के प्राइज पेनिट्रेशन एंड प्राइज स्कीमिंग इसी तरीके से प्राइस लेवल पॉलिसी में हम यहाँ तीन मेथड्स इसके डिस्कस करेंगे मीटिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉलिसी बिलो कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी और थर्ड वन है इसके अंदर दैट इज द एब कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी क्लियर ऐसे ही हम जो नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करेंगे दैट इज द फ्लैक्सीबिलिटी बेस्ड मैथड्स इस फ्लैक्सिबिलिटी बेस्ड मैथड्स में हम इसके दो डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन इज द वन प्राइज पॉलिसी मैथड एंड सेकेंड वन इज द फ्लैक्सिबल प्राइस पॉलिसी मैथड ऐसे ही जब हम ग्राफिकल कंडीशन बेस्ड मैथड्स की कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें हमें चार टाइप्स डिस्कस करने हैं चार मैथड्स डिस्कस करने हैं प्राइजिंग के यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस पॉलिसी जोनल डिलीवरी प्राइस पॉलिसी बेसिंग पॉइंट प्राइस पॉलिसी एंड फ्राइट एब्जॉर्बशन प्राइस पॉलिसी ओके नाउ लेट अस डिस्कस दीज मैथड्स द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉस्ट बेस्ड मैथड्स एंड इन दिसड द फर्स्ट टाइप इज द फुलस्ट और कॉस्ट प्लसिंग अंडर दिस मैथडम फेयर परसेंटेज मार्कअप और एप्सोल्यूट क्वांटम इज एडेड टू द एवरेज टोटल कॉस्ट एज प्रॉफिट इन अराइविंग एट द प्राइज यानी कि इस पर्टिकुलर मैथड में जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एवरेज टोटल कॉस्ट को सबसे पहले डिटरमाइन किया जाता है और इस एवरेज टोटल कॉस्ट में एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बेसिस पर मार्कअप को या फिर एब्सोल्यूट क्वांटम को उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है ये जो मार्कअप होता है दिस पर्टिकुलर मार्कअप हैज समरिंग ऑन द टारगेट प्रॉफिट दैट द फॉर्म डिजायर्स टू अचीव यानी कि जब फर्म अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करती है तो एक पर्टिकुलर टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन को फॉलो किया जाता है तो जितना भी टारगेट प्रॉफिट ये अचीव करना चाहती है उसको वो एक पर्टिकुलर मार्कअप के फॉर्म में एवरेज कॉस्ट में एड कर देती है और इस तरीके से प्राइस को डिसाइड कर लेती है ये बहुत कॉमनली यूज मेथड है जिसके बेसिस पर हम पब्लिक यूटीज है या मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेल ट्रेडर्स हैं इनके द्वारा प्राइजेस को डिसाइड करने के बारे में जानते हैं यानी कि मार्केट में जो पब्लिक यूटीज के प्राइजेज हैं या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपने प्राइस को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं इस टाइप के मैथड को अडोप्ट करते हैं फुल कॉस्ट क्यों कहा जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट कॉस्ट को डिटरमाइन कर लिया जाता है यानी कि जो भी उसकी फिक्स कॉस्ट होती है और जो भी उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है कंप्लीट फिक्स कॉस्ट और कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हुए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है और फिर इस टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है उसके बाद एवरेज कॉस्ट में एक परसेंटेज मार्कअप या एब्सोल्यूट क्वांटम को ऐड करके प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है इसी वजह से इस मेथड को हम फुल कॉस्ट या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का नाम देते हैं सेकेंड वन इज द इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइजिंग क्या होता है इस प्राइजिंग में अंडर दिस मैथड एवरेज वेरियबल कॉस्ट इज यूज एज आ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन इन स्टीड ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर बात कर रहे थे हम ऊपर हमने एवरेज टोटल कॉस्ट को इंक्लूड किया था और एवरेज टोटल कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरेबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है लेकिन जब हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइजिंग की बात करते हैं तो यहां प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बेस के तौर पर लिया जाता है ठीक है ना कि एवरेज टोटल कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर वेरेबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वेरेबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस हैं इनको इंक्लूड करते हैं और इसके बेसिस पर हम एवरेज वेरेबल कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं अब वही तरीका पुराना एवरेज वेरेबल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर एक फेयर परसेंटेज मार्कअप या एब्सोल्यूट क्वांटम को ऐड कर देते हैं और उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं पॉइंट क्लियर हो गया तो दोनों में डिफरेंस क्या है फुल कॉस्ट में और इंक्रीमेंटल में फुल कॉस्ट में हम कंप्लीट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं जिसमें एवरेज सेफ कॉस्ट और एवरेज वैल्यू कॉस्ट दोनों इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइजिंग में हम केवल और केवल एवरेज वेरेबल कॉस्ट को एज अ बेस यूज करते हैं प्राइस फिक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है द थर्ड वन द मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग में अंडर दिस मैथड प्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इसी वजह इसको हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग का नाम देते हैं क्योंकि प्राइजेस को मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा कॉस्ट डायरेक्टली डायरेक्टलीबल टू द आउटपुट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के आउटपुट के रिगार्डिंग जो कॉस्ट का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है उस डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं और उस मार्जिनल कॉस्ट में एक मार्कअप परसेंटेज मार्कअप या एक एब्सोल्यूट क्वांटम को ऐड करके प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है तो हम इस मेथड को मार्जिनल कॉस्ट प्राइजिंग मेथड के नाम से जानते हैं ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट मेथड इज द टारगेट प्राइजिंग टारगेट प्राइजिंग क्या मतलब क्या मतलब होता है इस टारगेट प्राइजिंग का इट इज रिफाइंड वेरियंट ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइजिंग ये एक तरीके से जो कॉस्ट प्लस प्राइजिंग है उसका एक रिफाइंड वेरिएशन है यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन किए गए उसकी जो कमियाँ थी उनको दूर किया गया और उसके बेसिस पर टारगेट प्राइजिंग मैथड को फॉलो किया गया है द टारगेट प्राइजिंग कंसिडर्स द ड्राइव्ड रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेट बाय द फॉर्म इन सेटिंग द मार्कअप यानी कि यहाँ पर जो प्रॉपर प्राइजिंग है उसके लिए टोटल कॉस्ट को एज अ बेस कंसीडर किया जाता है लेकिन इसके साथ साथ जो पर्टिकुलर मार्केट है उसको डिसाइड करने के लिए एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को फॉलो किया जाता है ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म यानी कि जो फर्म इनिशियल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करती है उसके रिगार्डिंग एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को ड्राइव किया जाता है और इस रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को एज अ मार्कअप यूज किया जाता है प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए यानी कि फर्म अपने एवरेज कॉस्ट में इस पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न को एज अ मार्कअप ऐड करती है और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है ओके okay, तो ये तो हो गए मैथड्स अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बेस्ड अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन बेस्ड कॉम्पिटिशन बेस्ड मैथड में द वेरी फर्स्ट वन इज द गोइंग रेट प्राइजिंग क्या होता है गोइंग रेट प्राइजिंग गोइंग रेट प्राइजिंग का मतलब होता है कि इस टाइप के मेथड में द फर्म एडजस्ट इट्स ओन पॉलिसी टू द जनरल प्राइजिंग स्ट्रक्चर इन द इंडस्ट्री यानी कि यहां जब कोई पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसके प्रोडक्ट के प्राइस को वो उस लेवल पर डिसाइड करती है जो इंडस्ट्री में चल रहे होते हैं यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जिस पर्टिकुलर प्राइजिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बाकी सारी फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं उसी प्राइजिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है इसी वजह से इसको हम गोइंग रेट प्राइजिंग का नाम देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है द प्रोडक्ट इज वेरी न्यू तो जो इसका प्राइस है उसको हमें क्या करना पड़ता है इंडस्ट्री के जनरल प्राइजिंग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना पड़ता है इससे क्या होता है जो मार्केट का रिस्क है उस रिस्क को हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि अगर उस जनरल स्ट्रक्चर के कंपटीशन में आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है और क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है तो उसके फेल होने के चांसेस बने रहते हैं तो जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो जनरली जो फॉर्म है वो क्या करती है वो जनरल प्राइजिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती हैं तो हम इस पॉलिसी को गोइंग रेट प्राइजिंग पॉलिसी का नाम देते हैं क्लियर बाकी के जो इसमें मैथड्स बचे हैं जो भी पॉलिसीज अभी रह गई हैं डिस्कस करने से इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू